मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ भाई। ई आया हूँ बास गांव में, बड़ा स्ट्रॉन्ग गांव है भाई, अच्छा बड़ा गांव है। दूसरी बार आया हूँ भाई इस गांव में और लोगों की राय जानेंगे। ये इस हर लोकसभा क्षेत्र और नारनौंद शायद विधानसभा क्षेत्र में पड़ा है। कुछ भाई मेरे अड़े भी खड़े हैं और एक दो भाई अभी हैं और दूर तो ही भाई है, भाई हैं अड़े सारे तो बतलावेंगे। राम राम भाई। राम राम भाई। राम भाई ठीक ठाक है? हाँ ठीक। इसे काम तो है? हाँ इसे काम। क्या कुछ काम करा करा भाई? बीए करा करा। बीए करा करा। हाँ। अच्छा कौन सी पार्टी ठीक है? पार्टी तो भाई बीजेपी ठीक है। बीजेपी क्यों? बीजेपी भाई मोदी तगड़े फैन है। मोदी के तगड़े फैन है। हाँ। बड़ी आदमी है। बढ़िया थी। और जो पार्टी है और तो फिर मन्ना तो देख बीजेपी तो बढ़िया कोई पार्टी नहीं लगी है। अच्छा, और तो रहे हैं पहले कांग्रेस रहेगी थी। अच्छा। उनकी में काम नहीं करे बाकी बीजेपी। अच्छा। का काम किसे नहीं करे बीजेपी ठीक से। हाँ बीजेपी। अच्छा आओ जी आओ। आओ जी। राम राम जी। और जी ठीक हो? बढ़िया। कौन सी पार्टी ने जिताओगे? मोदी ने जिताओ है। और कौन सी? मोदी क्यों? बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी। और आदमी को सिंह मार रहा हूँ तो मेरा वहाँ सिंह मारते हो मार बाकी मोदी ठीक से मार तो फेटियो बैठ रहा भाई। अच्छा राम राम भाई। राम राम भाई क्या लभी? ठीक ठाक। इलेक्शन आए कौन सी पार्टी जीता हुआ? बीजेपी ने भाई साहब। बीजेपी ने पक्की बात से? ठीक से भाई। भाई राम राम। और ठीक से कौन सी पार्टी ने जीता हुआ? बीजेपी है। ठीक से पक्की बात से? पक्की। चलो अच्छा हाँ एक बार और आगे भाई गलती करी के। अच्छा भाई ठीक से भाई मतलब दोबारा नहीं आना हो कदे ले भाई। अच्छा ताऊ राम राम। ताऊ ठीक ठाक है? इलेक्शन आ गया ताऊ कौन सी सरकार ने जितावा? हां मोदी ने जितावा है भाई। मोदी क्यों ताऊ? हां मोदी बढ़िया आदमी हमारे लिए। बढ़िया आदमी है। अच्छा ले ताऊ तेरा सलाद सा खाना हूं मैं एक मिनट आंडे हूं मैं तेरे। आंडे भाई ठीक है 10 मिनट में आया ताऊ। भाई राम राम। और भाई ठीक से? ठीक है भाई। इलेक्शन आया कौन सी सरकार ने जितावा है? कौन से जीत जो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा रे ना दिल्ली बात कर दी यार तने। राम राम भाई। राम भाई कौन सी सरकार आनी चाहिए भाई? बीजेपी। बीजेपी क्यों भाई? बीजेपी आप बंद मोदी सरकार आनी चाहिए भाई। बस बस चलो भाई दिल तक आवा तो मोदी आना चाहिए। दिल तक आवा। हाँ जो मोदी ठीक है भाई। थैंक यू भाई। थैंक यू। तो जी चलो भाई अगर मिला किसी ने फिटा किसी ने बतलावा दो दो एक भाई है इनते बतला लिया फिर नुन्ने पास्ते चलांगे फिर नुन्ने चलांगे इंगे उंगे चलांगे भाई। भाई राम राम। डेढ़ जोर है और ठीक से मित्र है? ठीक है भाई। ठीक है भाई। इलेक्शन आया कौन सी सरकार ने जिताओ? बीजेपी भाई। बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी बढ़िया लागे भाई हम मारे जो कुछ है भाई हम तो सहमत है इस चीज़ से सारी बहुत बढ़िया सारे साथ सहमत हो। हाँ भाई ठीक है भाई। थैंक यू भाई। थैंक यू। चलो भाई लाइव मिट्टी पकड़ा दे। अरे भाई आज अभी गया पाछा पाछा रुक जा। चलो भाई। भाई राम राम। डेढ़ जोर है? राम राम भाई। राम राम भाई ठीक ठाक है? ठीक ठाक बढ़िया। इलेक्शन आ गया कौन सी सरकार ने जितावा? सरकार तो भाई सोचेंगे अभी अभी सोचा नहीं है ना ना ना। अच्छा भाई चुनाव प्रचार शुरू हो जाए कल प्रश्न से लास्ट डेट थी। अच्छा ठीक है भाई। देखिए भाई रुकी 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 कौन सी सरकार ने जितावा है? मोदी को। जे जे भी को पहली देख बदल गया। हाँ जी कौन सी सरकार ने भाई? भाई अपने को कुछ नहीं फिलहाल है कोई सी नहीं। अच्छा प्रधान भाई इस पर डाउट है रे यू कहते जे जे भी कहते कहना मोदी भाग गया। राम राम जी। कौन सी सरकार ने जिताओ जी? भाई सरकार तो न्यू है सरकार तो मोदी की बढ़िया रही है लेकिन हरियाणा में है जो जे जे पी का है दुष्यंत जी लेकिन पारिवारिक कलह से हो गया ना तो जे जे पी पार्टी पारिवारिक कलह ना। हाँ पारिवारिक दुष्यंत साहब सोच लो देख लो के को लेकिन है। फिर भी है ना जी जोर आजमाना पड़ेगा लेकिन नक लगेगी बात इसकी। किसकी? जे जे पी की। तो फिर भी आप जिताओ किसी ने हो दोनों कान बात कर दी दोनों के है ऊपर तो देखो ऊपर तो प्रधानमंत्री आओगा। अच्छा तो एमपी में तो प्रधानमंत्री को सपोर्ट करो हो? सपोर्ट तो आडाला यो जागा जबे की बात है सपोर्ट तो इबेक जावे को नहीं हो फिर अच्छा। ये भी मरोड़ी है। अच्छा हां भाई मरोड़ में तो ये लग बैठे हैं। ठीक बात है। हैं ठीक बात मरोड़ लेके बैठ रही है ना मरोड़ करोड़ की हो मरोड़ करोड़ की है। ठीक बात है। मारे मारा पता नहीं होता ये वाला। अच्छा जी जो देव उपरला। राम राम भाई जी। राम राम भाई जी ठीक ठाक है? ठीक सब। इलेक्शन आ गया कौन सी पार्टी जिताओ?
पार्टी पार्टी तो भाई दुष्यंत ने जितावा आप ही तो दुष्यंत ने दुष्यंत क्यों कर ठीक लग गया टोल टैक्स चढ़वा दिया बात सुन ले टैक्स पर आम आदमी भाव है अच्छा भाव है सही बात से जमींदार की आवाज उठाओ आम आदमी की आवाज टोल टैक्स है कि कोई और टैक्स है टोल टैक्स ट्रैक्टर पर लग गया था अच्छा टोल टैक्स पर लग गया था अच्छा टूट गया चढ़वा दिया ने और किसान आवाज को उठाई देख ले ठीक बात बिल्कुल किसान खातिर ही बात आम आदमी ने सुनाई होगी जी भाई यार ना तो कोई पानी की व्यवस्था है मारे अस्पताल में डॉक्टर नहीं आया कंप्लेंट करी एमबी दो से चार से बे अच्छा हाँ दो से चार से पांच दिन तो भूख हड़ताल पर मैं बैठा था अच्छा हाँ डॉक्टर नहीं आया हड़े एमबीबीएस सर तीन आदमी तनख्वाह ले हड़े कम से कम किमें तारीफ कितने पहुँचो तो इसमें दे वाटर बक्सा इसमें गंदा नाला अंदर चल रहा था हमने एस डी ओ एक्शन एक मिनट भाई कई बार लोग मेरे तेनों कहते तू लोगों की समस्या नहीं सुनता ये भी समस्या है कि नहीं है ये भी लोग घर बैठ कर आराम तक कागज फड़ाऊंगे फिर मेरे तुरा कॉल करेंगे उस बात का कोई तुक नहीं है ओरिजिनल समस्या ये है भाई लोगों ने जो दिखा है हाँ जी दोबारा बताओ जी यही बात यो वाटर वर्क हाड़ है हाँ जी इसके में यह बस्ती हाड़ा हरिजन बस्ती अच्छा जी उसका मूत का नाला जमा जो पानी अपना नहर से पानी आओ ने नाली में उसके में चल रहा था हमने एक्शन एस डी ओ सबको दोहरे खड़ा करके दिखा था ये नाला तो बंद हो गया भी बदबू आओ इस पानी में पानी दिखाऊं क्या मैं भर रहा हूँ पानी और कैम भर रहे हो टंकी में अच्छा हाँ नु सूंघना था मुँह लेना था बेरा पड़ जाएगा बदबू आओ है और हमारे हाड़ा बड़ा अस्पताल है वो इस बड़े अस्पताल में गांव ने अपने पैसे से बनाया अस्पताल है आपको मालूम नहीं होगा कहीं सुने क्या आपने कितने सरकारी हॉस्पिटल कोई भी अच्छा कोई भी सरकारी हॉस्पिटल कहीं सुना है कि आपने गांव ने अपने पैसों से बनाया हो हमारे गांव में यो गांव का बना हुआ अस्पताल है अच्छा अरे आड़ है चंदा करके तो अस्पताल बनाया है यो बास गांव ने एमबीबीएस डॉक्टर नहीं आया आड़ गांव ने जितने जाने थे ना 50-50 आदमी फोर व्हीलर बराबर सारा जाया है कितने कोई सुनाई नहीं हुई फिर पाँच दिन आड़े भूख हड़ताल पर बैठे थे जब थोड़े हे दिन डॉक्टर आया था ये भी कोनी फिलहाल भी कोनी आड़े जो छोटे मोटे जितने भी गांव है ना सबसे बड़ा अस्पताल है अपने जो आड़े मोड़ा बड़ छप्पर बडाला और भाई कुठी पीएचसी बोल रहे हैं आड़े आदमी ले हैं तनख्वाह मैंने हम 19-21 आदमी तनख्वाह ले थे जब हमने भूख हड़ताल करी थी और आदमी आओ थे अड़े दो एक छोर डेरे का था छोरडा बस और कोई और उनका फिर बेरा पाड़ा ना जब जब सरकारी अस्पताल में जो तनख्वाह ले थी वह तो हंसी बैठा कर दी तनख्वाह वास्ते लिया कर दी तनख्वाह तो वास्ते लिया कर दी वह और आड़े 21 आदमी थे एक मेरे याद को नहीं 23 उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई के कार्रवाई होती डॉक्टर आ गया भूख हड़ताल पर तो ठह दिए सी एम ओ ना आए ले कोई बात नहीं और के कोई कोई सुविधा को नहीं किसी चीज़ की भी ये भी यो है ना या बदू वाली मेन समस्या है पानी नहीं होगा तो क्या होगा राम राम भाई राम राम भाई किसके सरकार ने चीर क्यों भाई सेंटर में तो मोदी आना चाहिए अरे अरे स्टेट में कोई आ जाओ भाई कोई आ जाओ कोई आ मोदी राम राम जाएंगे भाई सुने हाँ जी मोदी ने नू देंगे पाकिस्तान वाले का पसीना ना रह गया भाई और किसी सरकार की बस की बात कर अब बाकी में उल्टा ना बोलिए बस फ्लो फ्लो तो आ लिया बाकी का देखिए उल्टा बोलते उल्टा के बोलना है आप फ्लो आ लिया तो रहे लगदा नू और नू कह देखा मुखा में कि में सभ्यता का ऐसा बद चाहिए भाई हाँ जी कौन सी सरकार जेजेपी जी जेजेपी क्यों बढ़िया सर जी बढ़िया है जमींदार का में बढ़िया है गरीब का में बढ़िया है अच्छा अच्छा बंदा है जेजेपी हाँ भाई भाई मोदी ये बढ़िया रहा है और तो कौन है अभी मोदी सही है मोदी देश का विकास करता तो मोदी बढ़िया है और उससे ही भाई किसी दिन ठीक वोट पापना को होगा कोई ठीक बात चलो जी आगे चलेंगे भाई किस्त बतलावा ले आड़ा चल आड़ा बतला लिया राम राम भाई भाई ठीक ठाक है इलेक्शन आ गया कौन सी सरकार ने जिताओ आप कौन सी ने जिताओ जी ना मैं किसी ने जिताओ मैं भी किसी ने नहीं जिता आपकी भी तो इच्छा होनी चाहिए जी अगर पत्रकार ये बताओगा तो कॉमन सेंस कहाँ गई पत्रकार वोटिंग को नहीं करता जी कोई पता नहीं दुष्यंत ने जिताऊंगा दुष्यंत ने हाँ पक्की बात जमा से गिर यहाँ बीजेपी तो अच्छा जमा तंग हो लिए तलाक जमा इसी तो छह बार तलाक दे दिया मतलब
ठीक है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। सारा लाओ बोलोगे ये बात ले बताऊ बैठा ताऊ तो पूछ ला। राम राम ताऊ। ताऊ ठीक ठाक है। ताऊ इलेक्शन आ गया, कौन सी सरकार जीतनी चाहिए भाई? इसका बाग में सने हाँ। समझा कौन समझा हाँ। इवन का के बेरा था अपने ना तो पंजाबी का बेरा था हाँ। ना अपनी जायज का ना पांच का ना बेरा किस तो सही बात समझा ना। अच्छा ना मोदी का बेरा था हाँ। आज देखा से किसा हाँ। किसका से कौन जायज का से जब बेरा पटिया तो वह बताओ हाँ। बेरा सही बात जो इसका बाग में सने वो बना इनका से बेरा तो वह ने सोड़ा ने बात कह दी ठीक है। धन्यवाद 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 ठीक बात है। हाँ जी कौन सी सरकार आनी चाहिए? वही बात के गए उन्होंने बताइए दोबारा जिसका भाग मुझे मिलेंगे ये बात सुनी कि मैं गया और क्या। हाँ जी कौन सी सरकार? भाई बुढ़ा ने जो कहा था बता दी भाई। ठीक है ठीक है तब तभी तो चलते भाई नोट लागे तब करा के कह देगा मसा कैमरे की आवाज रोकू हूँ राम राम जी। इलेक्शन आ गया जनाब, किसकी सरकार ने जीता? वो सरकार है हाँ जी, सरकार तो बीजेपी की जीतेगी भाई। बीजेपी की ठीक चल रही है? हाँ जी हाँ जी। संतुष्ट हो? बिल्कुल ठीक जी। धन्यवाद धन्यवाद। चलो भाई इतना के टाइम से अपने दूर है भाई, इतना के टाइम से ले भाई इस भाई तो बतला लिया भाई रे। राम राम भाई। और भाई ठीक ठाक है? इलेक्शन आ गया, किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी हाँ भाई की बात से ठीक है भाई। सरपंच साहब के विचार राम राम जी। राम राम भाई। और ठीक हो जी? बढ़िया भाई। इलेक्शन आ गया, किसकी सरकार आनी चाहिए? सही है मेरा हाथ की बात से भाई। फिर भी आप देख के किसी नाराज जी बता दो, थोड़ा सही बताओ। नहीं तो बता दिया भाई। आवे तो चश्मे के गिर यार, चश्मे की ये भी चश्मा भी दो दो भागम बट गया, दो दो का भागम फिर भी चश्मा है, फिर भी चश्मा है अपना। ठीक है वो रोला जिसका चाय लिया था ना मेरा है कलमू। हां जी हां भाई। हां जी किसकी? ये हम बयान करी बदलते हैं, हम बड़ा बयान ठीक है समझ गया मैं। फोटो भी दिखाई थी मेरे ख्याल देख। राम राम भाई। किसकी सरकार आनी चाहिए भाई? हम तो मोदी की खींचा हुआ। मोदी की? हाँ जी हाँ जी। भेंट लिया बंद हो? अच्छा अच्छा भाई भेंट लिए वो आज। तो भाई यो सर्वे तो कितना लंबा कर लो, बतेरा होगा सर्वे कितने मिनट का होगा? 13 मिनट का होगा बतेरा भाई। इतना सर्वे धन्यवाद। राम राम जय हिंद भाई।